राजधानी लखनऊ में ट्राई साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। इस दौरान डॉक्टर राजेश्वर ने कहा कि वे दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए संकल्पित है। दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण बहुत महत्वपूर्ण है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, हमारे सरोजनी नगर के जितने वरिष्ठ हमारे पदाधिकारी हैं पार्टी के, सभी की मंशा रहती है कि दिव्यांगजनों को हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दें। जब से मैं MLA बना हूँ तब से हम सबका प्रयास रहा है, सारे लोगों ने मिलकर प्रयास किया है। पहले लगभग 1000 दिव्यांगजनों को जो उनको आवश्यकता थी, चाहे ट्राई साइकिल्स चाहिए थी, चाहे उनको वॉकिंग स्टिक्स चाहिए थी, चाहे ब्रेल की उनको पढ़ने की आवश्यकता थी, लिपि की आवश्यकता थी, सारे संसाधन हम उनको लगातार उपलब्ध करा रहे हैं। फिर बीच में हमारे पास मांग बढ़ी कि मोटराइज ट्राई साइकिल्स की, तो अब मैंने ये श्रृंखला शुरू करी है 10-10 करके। दिव्यांगजन जो भी सक्षम है, जो मोटराइज ट्राई साइकिल को चलाने में, उनको लगातार हम प्रतिबद्ध हैं, उनको मोटराइज ट्राई साइकिल देंगे। सरोजनी नगर में ये पहली चरण में हमने इससे पहले दिया था, ये दूसरा चरण है। आज हम 10 मोटराइज ट्राई साइकिल दे रहे हैं, अगले माह फिर से हम सिलेक्शन करके 10 मोटराइज ट्राई साइकिल देंगे। मेरा प्रयास है, हम सबका प्रयास है कि आने वाले महीनों में, आने वाले वर्षों में सरोजनी नगर में जितनी मोटराइज ट्राई साइकिल की आवश्यकता हो हम उसको पूर्ण करेंगे। हमारी केंद्र सरकार है, उसने दिव्यांगों का आरक्षण बढ़ाया है, 3% से बढ़ा के 5% किया है। शिक्षण संस्थाओं में 3 से 5 किया है, नौकरियों में 3 से 4% किया है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने दिव्यांगों की पेंशन 500 रुपये से बढ़ा के 1500 रुपये करी है। उनका भी लक्ष्य है कि मोटराइज ट्राई साइकिल मिलनी चाहिए, तो हम लोग इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं।